हे गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स वन शॉट लेक्चर लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड RUHS BSc नर्सिंग 2024 में। गवर्नमेंट कॉलेज लेना हमारा टारगेट है और फिजिक्स में 34 में से 34 मार्क्स लेकर आएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग नर्सिंग फैमिली का हिस्सा बने और इस परिवार से जुड़े, क्योंकि ये एक चैनल नहीं, ये एक परिवार है जिसको हमने शुरू किया है नया नया। सो इस वीडियो का मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये किस प्रकार से रहने वाला है। आपके तीन फेज में रहेगा। आपके पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो कि आपको डायरेक्टली MCQ के थ्रू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको PYQs देखने को मिलेंगे। PYQs आपको सारे करने हैं क्योंकि उसका 10 से 15% कॉन्टेंट आपके PYQs कवर करते हैं। सो PYQs को छोड़ के नहीं जाना है, ये बात कान खोल के सुन लो। और बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ 2-3 साल के तजुर्बे से, वो आपको पढ़ के जाना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ज्ञान फैल देते हैं। सो सबसे पहले 2016 का पेपर, 17 का पेपर, 18 का पेपर, 19 का पेपर और लगभग 20 का पेपर, इसको अलग कर दें। बाकी 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर और आगामी आने वाले पेपर। सो ये जो पेपर थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन ढंग के क्वेश्चन थे और इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही ऊपर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अगर मैं बात करूँ 2020 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपके सीधा सीधा RBSE की जो बुक थी, उस समय RBSE की बुक चलती थी, सो उसके डायरेक्टली जो पीछे MCQ दिए थे वो सारे एज इट इज एग्जाम में दे दिए थे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। अगर आप लोग वहाँ होते तो 34 में से 33 मार्क्स ले आते, क्योंकि 33 का ही तो पेपर था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जी हाँ, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लास देखने को मिलेगी और वन शॉट लेक्चर है, ध्यान से देखिए। और सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस लेंथी नहीं आते, जिस प्रकार नीट का पेपर रहता है उसमें बहुत ही लेंथी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही ऊपर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फॉर्मूला बेस मिलेंगे और बहुत ही ऊपर लेवल के मिलेंगे और न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस ही आते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को पता ही होगा। और आवेश की विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज T1 A1। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो डायमेंशन है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। और जितने भी बुक्स की डायमेंशन दी हुई है, लगभग 25 से 30 डायमेंशन होगी, और जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी एक पेज पे लिख लो और उसको चट कर जाओ। मेरे उस्ताद होनियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग डायमेंशन सारी रट के जाएं, रोजाना डायमेंशन को देखें और डायमेंशन को कवर कर लें, ये मेरी आपको एक सलाह है। और एफ साइलेंस नोट का मान क्या होगा? एफ साइलेंस नोट का मान आपके होता है 0.85 मल्टीप्लाई 10^-12। और आपको एफ साइलेंस नोट का कभी कभी यूनिट भी पूछी जाती है, सो उसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड एफ साइलेंस नोट की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, सो इसकी डायमेंशन होती है M-1 L-3 T4 A2। सो ये इसकी डायमेंशन होती है। डायमेंशन आपको रटनी पड़ेगी, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को निकालनी भी आनी चाहिए डायमेंशन, वो आप लोग निकाल ही पा रहे होंगे शायद, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। कूलम का नियम आपको पता ही है, बराबर के Q^2/R2। अब हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E/F(Q0) आप लोगों को पता ही है। और इसका यूनिट की बात करूँ तो न्यूटन / कूलम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात करो तो इसकी होती है M1 L1 T माइनस 3 और A माइनस 1। सो ये इसकी डायमेंशंस हैं। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की मैं बात करूँ, सो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने फॉर्मूले आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं, आप लोग इसे याद कर लें। बिंदु आवेश के कारण आपके विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सो के क्यू बाय आर स्क्वायर। बला गुण टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा। अगर मैं बात करूं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको एक नंबर पक्का कर सकता है वो कैसे, सबसे पहले तो आप लोगों को एक लाइन पढ़नी होगी, द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेर इज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका डॉट है, ये आपका क्रॉस है, ये आपका क्या है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। सो आपको ये ध्यान रखना है। जो बला गुण होता है वो आपको एग्जाम में कई कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सो इसमें आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ये, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अपने उस्ताद होनियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को 10वां पॉइंट करवाने वाला हूं, ई अक्ष पर और ई निरक्ष पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। सो टू कैप ई अपॉन आर क्यूब और कैप ई अपॉन आर क्यूब, और ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग कान खोल कर सुन ले। ई अक्ष पर कितना होता है और ई निरक्ष एक्सियल एंड इक्वेटर पर द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को देखेंगे। सो फ्लक्स का फॉर्मूला फाइ बराबर ई डॉट एस ई एस कॉस थीटा, और फ्लक्स है आपकी अदिश राशि। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें डॉट आएगा, आपको पता ही है, कई लोगों को पता नहीं होता है, बाकी ज्यादातर लोगों को पता ही है। सो यूनिट की बात करूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स एंड बाकी इसकी एक और यूनिट होती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बाकी या इसकी डायमेंशन है M L 3 T -3 A -1। डायमेंशन आपको रटनी पड़ेगी, आप एग्जाम में जाओ सो निकालने की नौबत ना है, आपका टाइम भी सेव होगा। सो आप लोग डायमेंशन रट के जाए जाते ही आपको टिक कर देनी। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड इन साइड द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज ऑलवेज शून्य, जीरो। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा, जो द्विध्रुव होता है, ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश होते हैं, और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, आपको ये ध्यान रखना है। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं, सो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा इसमें आप देख लो, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती है लात लात लात, और के की यूनिट क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, शायद मेरे हिसाब से लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 4 pi epsilon naught ये होता है। बाकी इसका जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम माइनस टू, ये आप कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट निकालनी बहुत ही आसान है, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, हमें के की यूनिट निकालनी है। सो एफ की यूनिट क्या होती है, एफ की यूनिट न्यूटन कूलम 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 माइनस टू अपॉन, इसमें नीचे क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आपके पी वाई क्यूज पर आ जाते हैं। सो पी वाई क्यूज को देख लेते हैं, सबसे पहला आपका पी वाई क्यूज, ये आपके 2023 का पेपर है, इसमें मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, ये रहा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न होती है। यार ये इसने कैसे गलत कर दिया, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, और ये भी गलत करके आए हैं अपने उस्ताद होनिए। सो इसके लिए तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसका आंसर डी होगा, कैसे होगा, ये
बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जब इतने सरल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना भाई साहब, सुकून मिल जाता है। बाकी ये क्वेश्चन गलत किया है ना, सो उसकी भैंस की आंख, अब उसके बारे में क्या कहूँ यार। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। साले ये भी गलत करके आया है, इसमें तो सी आएगा और इसने गलत कर दिया है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है भाई। और अब हम लोग बात करते हैं इसमें अगला। ये देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि के का यूनिट आई है, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, व्हाट आर द यूनिट ऑफ के, इसकी यूनिट आपको मैं बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे, और भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बता देना, कोई छूट तो नहीं रहा इस चैप्टर के। ये भी हम कर रहे हैं, आने वाले चैप्टर में हम करते जाएंगे। विद्युत क्षेत्र में ई ए पी आगुण के द्विध्रुव प्रक्रियाशील बल आगुण है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, और आपको कैसे पता चला, सदिश यादि लाइन खींची हुई है और आपको क्या चाहिए, इससे ऊपर तो भाई कुछ नहीं दे सकते। सीधा सीधा इसका आपके आंसर हो जाएगा बी, सिंपल। पढ़ते हैं आगे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई पूछे। नहीं देखो, इतना सरल क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है, नहीं, इतने भी हमारे स्टूडेंट मतलब कहूँ कमजोर नहीं है कि ये क्वेश्चन ना करो। सो मैटर खींच के रखो, नर्सिंग फैमिली से जुड़ो, नर्सिंग फैमिली से जुड़ो, इस क्वेश्चन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप नर्सिंग फैमिली से जुड़ो और अपने फिजिक्स को मजबूत बनाओ। निर्वात की विद्युतशीलता, सो क्या हो जाएगा इसका, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू वन क्यू टू अपॉन एफ गुणा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 96 माइक्रो कूलम्ब का बिंदु आवेश स्थित है। वर्ग से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। सो इसमें आपको विद्युत फ्लक्स पूछा है। फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइव का मान आपको यहाँ निकालना है, फाइव का मान आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आपके आवेश कितना, 96 माइक्रोकूलम है। सो 96 × 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, अभी भी तो बताया एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10⁻¹२ हो गया ना। इसके बाद आपके जो कितना आता है, इसके बाद फाई का मान आपके आ जाता है लगभग मैं बात करूं कि आपके फाई का मान आ जाता है, ये 10⁻⁶ ऊपर गई पीछे बचा 10⁻⁶ और इसमें हम 8.85 का 96 में भाग दें, सो एट लगभग आपके 10 पॉइंट आपके कुछ देखने को मिलेगा, 11 समथिंग। सो अब आपके बताया गया है वर्ग के बारे में, सो वर्ग के स्क्वायर के बारे में बताया गया है। सो फाई नेट आपके हो जाएगा 1/6, और अभी आपके क्या आया है, फाई कितना आया, 11 × 10⁻⁶ 6 × 12। दिस इज द आंसर। ओ वाओ, मैंने कर दिया। 2-3 साल बाद भी आपका भाई अभी तक फिजिक्स में कमजोर नहीं हुआ। हाँ थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं, कर देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, टू आइसोलेटेड मैटर स्फीयर्स ए एंड बी हैव रेडी
आर एंड टू आर रेस्पेक्टिवली एंड सेम चार्ज क्यू द एनर्जी डेंसिटी यू जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्पेस फॉलो धातु के आपको दो असंयुक्त गोलों की त्रिज्या आर तथा टू आर और उन पर समान आवेश हैं क्यू तथा क्यू गोलों की सतह के तुरंत बाहर ऊर्जा घनत्व होगा। नहीं मतलब ऐसा क्वेश्चन तो भाई साहब मेरे पापा को भी दिया जाए ना तो भी वो कर लेंगे। तो आप ही बताओ ऊर्जा घनत्व तो यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे? अरे यार ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज्यादा होगा। यू ए यू बी ओके डन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये आपके क्वेश्चन हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए बी सी डी ए बी सी डी चारों कोनों पर बिंदु आवेश आपको दिया हुआ है। यह आपका वर्ग है ये आपका ए है ये आपका बी है ये आपका सी है ये आपका डी है। ए पर 2 माइक्रोकूलम है बी पर -5 माइक्रोकूलम है सी पर 2 माइक्रोकूलम है और डी पर वापस -5 माइक्रोकूलम है माइक्रोकूलम है माइक्रोकूलम है। सो आप लोगों को अब इसमें क्या ही बताऊं दोनों कैंसल इसमें भी दोनों कैंसल और आपका अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो आता है डी 0 दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट बहुत ही ईजी पेपर आया है ऐसे तो पेपर को फाड़ के रख देंगे अपने भाई लौंडे और मीटर खींच के रखो सब्सक्राइब करो यारों सब्सक्राइब करो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की क्योंकि नया नया चैनल स्टार्ट किया है 2 चैनल ऑलरेडी मैं बंद कर चुका हूँ अब तीसरे चैनल में अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ और ये मतलब सारा कॉन्टेंट इकट्ठा करने में कोई ज्यादा टाइम लगता है यार मेहनत लगती है बहुत सारी। अब एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस आई इज द्रव्यमान एम और आवेश क्यू वाले स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में त्वरित किया जाता है सो दूरी तय करने में इसके द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या होगा। यार इसमें है ना 2 फॉर्मूले अप्लाई करने ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन से आप लोग मान सकते हो लेकिन इजी क्वेश्चन कैसे करना है आप सबसे पहले तो देखो आपके कूलम्स लॉ भी इसमें लागू होता है उसके बाद में आपके न्यूटन्स लॉ भी लागू होता है काइनेटिक्स के फॉर्मूलाज लागू होते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है एफ बराबर क्यू ई होता है ओ सॉरी एफ बराबर क्यू ई होता है ए बराबर क्या होता है एफ बराबर एम है तो ए बराबर क्यू ई बाय एम ये सर नो ये एफ आई एम है इसमें यार क्या सो क्यू 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 ई बाय एम सो आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AL ये सर नो सो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा प्लस 2 और एक्सेलरेटर क्यू ई अपॉन एम गुना एल दैट्स इट स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आंसर ए यस ए दैट्स इट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का तो है ना टू चार्ज स्फीयर्स सेपरेटेड सो ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा आगे देखने को मिलेगा आगे देखने को मिलेगा सो आगे करेंगे वहाँ आपको सारा कुछ दिया गया है दिया गया दिया गया नहीं क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ दिया गया इसका मतलब मेरे को आता नहीं चलो करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है यार 2 साल हो गए भाई फिर भी पीछे नहीं हटा है एफ वैक्यूम एफ एम बराबर एप्सिलॉन का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ एप्सिलॉन एम सॉरी टू 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 अपन को बल पूछा है एफ एम बराबर हो जाएगा 2/2 राइट आंसर। चलिए समझ में नहीं आया आ जाएगा नेक्स्ट अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है उसमें भी हम लोग देख लेंगे यार ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम खराब नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हैं, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आवेश +Q+Q और -2Q क्रमशः है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष पर रखे जाते हैं, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस बार देखने को मिलेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा तो भी कर लोगे। 3 चार्ज +Q, ये देखिए ये आपका है त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ट्राइंगल, ये आपका है -2Q, ये आपका +Q, ये आपका +Q और ये डायरेक्शन PPL इसकी लंबाई और ये आपके P sin थीटा, ये आपके P sin थीटा, नेट जो आपके बल लगेगा जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी जो होगा 2P cos थीटा। सो P नेट हो जाएगा आपके 2P cos थीटा और P का मान आपको पता ही है कितना होता है, QL cos 30। cos 30 का मान कितना होता है, 2QL cos 30 का मान 2√3/2। एक थोड़ा sin थीटा cos थीटा है, उसके जो कोणों के मान याद रख लेना, कान खोल के सुन लो। सो 2 से 2 गया, √3QL या फिर A, हमने L रखा था, राइट ऑप्शन D। अगला सेम सेम क्वेश्चंस अपने उस्ताद होनियों को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे हलवा क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है, कुछ न कुछ लिख के आना है, लिखने का तो है ही नहीं क्या यार। अब HCl, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल 3.4 × 10⁻³⁻³ सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन आयंस विल बी HCl द्विध्रुव आघूर्ण, आपके इतना है आयनों के बीच की दूरी, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता ही होगा P = QL, अभी भी लिखा है। सो L का मान आपको दे रखा है 3.4 × 10⁻³⁻³, Q का मान आपको पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। और अब आपको क्या करना है, कचीड़ गलत हो जाएगा, फिर फचीड़ फचीड़, फिर आपका इसका जो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा वो D, राइट आंसर D। नहीं मतलब 0 दिया हुआ है, इसका मतलब आप 0 ही करोगे। कई लोगों को तो आदत हो गई है कि 0 देखे, या फिर समान रहेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंजेबल ऐसा कुछ दिखे, सो उनको वही जाके बटन लॉक करना है। ऐसा नहीं करना है भाई, अपन को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, 2 एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखें, ये आपका Q मान लो, ये आपका Q, 2 समान आवेश हो गए, अलग अलग भी, ये भी माइनस को भी ले सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन। चलिए अब हम लोग 3 मीटर की दूरी पर रख लेते हैं, ये 3 मीटर ही है ना। चलिए अब इसके मध्य जो बल लगला है वो बल लगला है लग रहा है F = 1.6 न्यूटन। सेम सेम है तो प्रतिकर्षण लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नहीं मतलब इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इंग्लिश कमजोर, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी पढ़े, कान खोल कर पढ़े। अब हमें पूछा क्या है, प्रत्येक आवेश का मान पूछा, यार आवेश का मान पूछ लिया, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन दे दिया। बाय द वे बता दूं, ये 2020 का पेपर है और उसमें जो क्वेश्चन आते थे वो बहुत ही इजी लेवल के आते थे, ये तो डायरेक्ट बुक से पूछा गया है, बाकी ऐसा कुछ हार्ड है नहीं आपके, अभी तो बहुत ही इजी आने लगे हैं। अब आवेश पूछा है तो आप वही कूलम वाला फॉर्मूला लगाओ, F = K1Q2/R, इसको वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, और 9 × 10⁻⁹ Q Q अपॉन आपके
3 मीटर दिया हुआ है, सो 3 मीटर आर स्क्वायर है ना, इसमें आपको बताना की जरूरत है नहीं, आर स्क्वायर 3 3, सो आपके 9 से 9 कट जाएगा। आगे क्या बच्चा, आगे क्या बच्चा, आगे बच्चा आपका ये क्यू स्क्वायर है, सेम सेम है नहीं ना आवेश, सो क्यू स्क्वायर गुणा 10 to the power 9, ये आपके बच्चा है। अब सो इसमें क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻¹⁵ और फिर 40 × 10⁻¹⁶ माइक्रोकूलम है, तो इसको उड़ा दो, 40 माइक्रोकूलम। इजी इजी इजी, प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, एक बार देख लेना, ऐसे नहीं आंख उठा के चले गए। इसमें आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, एक आवेश क्यू, चलिए एक आवेश क्यू, एक त्रिज्या आर के गाउसी गोले में परिबद्ध है, त्रिज्या दोगुनी कर दो, सुबाई विद्युत फ्लक्स में क्या फर्क पड़ेगा। नहीं मतलब ऐसा क्वेश्चन हमें दोगे यार, हमारे स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन दिया गया। अब यार विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर कब से निर्भर करने लगा, आपके इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपके रेडियस पर कब डिपेंड करने लगा, करता है क्या? नहीं नहीं ऐसी मजाक को करता है क्या? कभी नहीं करता यार। आपके इसका आंसर हो जाएगा बी, सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस आपके नहीं होगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता है रेडियस पे। चलते हैं नेक्स्ट, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर आरोपित क्या होता है? सो ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव तो आता है ना, ये आपके असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, सो असमान विद्युत क्षेत्र आपको पता ही है कैसा भी होता है, तो उस पर आरोपित होता है, क्या आरोपित होगा? दोनों होगा, बल और बलागुण, लेकिन यदि समान लिखा होता ना, समान विद्युत क्षेत्र, सो इस पे जो आपका बल होता F, वो तो जीरो होता, लेकिन आपका बलागुण जीरो नहीं होता, सो उस पे बलागुण लगेगा। यदि आपके सिर्फ और सिर्फ दिया होता कि समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, सो उस पर आरोपित होता, तो आप लोग केवल आघूर्ण बलाघूर्ण लिख के आ सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें मैं टाइम वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा अभी बता चुका हूँ, न्यूटन अपॉन कूलम्ब, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁸। कैसे आया आगे बताने वाला हूँ, इसमें क्यू बराबर एनी वाला फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर सामने आएगा। क्यू का मान कितना होता है, एन पूछा गया है, तो क्यू का मान आपके इसमें पुट करना है और इलेक्ट्रॉन, और सीधा आपका आंसर। और आपके चलते हैं नेक्स्ट, निर्वात में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले, ये आपका निर्वात है, इसमें ये धनावेश है, इससे निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या होगा? सो फ्लक्स का मान क्या होगा, ये आपके आने वाला है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, एप्सिलॉन इनवर्स। सिंपल क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चंस, अब ये आपके कैसे हो जाएगा, ये आपके कैसे हो जाएगा, ये आपके कैसे हो जाएगा, ये आपके राइट आंसर। फॉर्मूला देखो सीधा, ये सीधा फॉर्मूला बेस ही आपके आया हुआ है, HCl, ये आपको द्विध्रुव का मैं निकाल चुका हूँ, आप लोगों को अभी निकाल के भी दिखाया। और ये जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा लेंथी, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और क्या करूँगा बता दूँ, इसका जो आंसर का लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, इसमें आपको सॉल्व सही से ढंग से होगा भी नहीं। बाकी एक आवेशित कण है जो एक समान रूप से गति कर रहा है, सो विद्युत एंड चुंबकीय क्षेत्र दोनों देख, लेकिन यहाँ असमान लिखा होता तो आप लोग क्या लिखोगे, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, सिंपल सी बात है यार। अब हम लोग, मैंने जो MCQ बनाया है, मेरी मेहनत आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, ये तो RVHS की मेहनत थी, अभी आप लोग देख रहे थे वो, अब मेरी मेहनत आप लोगों के सामने है। सो सबसे पहले एक तो ये आपकी लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हाई लेवल के, मीडियम लेवल के, मैंने सारे MCQ इसमें कवर किए हैं, सो
सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के संबंधित नियम कौन सा है? कूलाम का नियम, लेकिन आपको पता होना चाहिए एम्पियर का नियम किससे रिलेटेड है। द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नाउन एज कूलाम्स लॉ। आपके एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन करता है, और जो फेराडे का नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड है। ओम का नियम आपके इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार है, समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार हैं परंतु एक ठोस है और एक खोखला है, तो आपके इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, दोनों को समान एवं अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, या फिर नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों को समान एवं अधिक आवेश दिया जा सकता है, गोला चाहे खोखला हो या ठोस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपका आवेश होगा वो सरफेस पर आपके रहने वाला है। देयर आर टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट वन इज सॉलिड एंड अदर इज होलो, देन दे कैन बी चार्ज इक्वली मैक्सिमम। चलिए टाइम क्या हुआ? 33 मिनट्स। अरे यार मैं 33 मिनट्स भी बोल लेता हूँ, मेरे को पता चला। पहले जो मैं वीडियो बनाता था वो 4 से 5 मिनट की होती थी, लेकिन अब भाई की इंटेंसिटी। अरे यार अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चालक पर इतने गुलाम का धन आवेश है, चालक पर इतना इतना आवेश है, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों का संख्या, ये जो फॉर्मूला है ना ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन। क्यू बराबर एन नहीं, वैल्यू पुट करो, क्यू का मान कितना दिया है ये रहा, ई का मान ये रहा, एन आपको ज्ञात करना है। सो एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू कौन ई, क्यू का मान दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर 9 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और कैसे होगा चलिए एक बार करके दिखा लेता हूँ। 14.4 × 10⁻¹⁹ 1.6 × 10⁻¹⁹ यस यस खस खस 1.6 ये 16 से इसमें भाग दिया तो 9 आपके आ गया। इंग्लिश वाले ध्यान दें, ए कंडक्टर हैज इतना इतना आपके पॉजिटिव चार्ज है, सो उसका अपन को क्या निकालना है, क्या निकालना है, जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसके आधार पर ही आपको आंसर निकालना है। अब वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻¹⁴ न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं इसका मतलब सेम आवेश, दोनों आवेशों के मध्य तेल भरना है, इसमें तेल भरना है, चलिए तेल भरना है। कुछ उस्ताद होनी इसको गलत समझेंगे, लेकिन तेल तो भरना पड़ेगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बल। और आपको एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी, मैंने भाई कभी नहीं ली एग्जाम, बहुत आए बहुत गए। मैंने कल एक कमेंट देखा था किसी चैनल पर, सो उसमें लिखा हुआ था एग्जाम की टेंशन हो रही, सो मेरा एल ले टेंशन, अपन को टेंशन लेनी है नहीं, दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दो। चलो तेल भर दिया, उसके बाद बल इतना हो जाता है, तो तेल का परावैद्युतांक ज्ञात करो, और इसका फॉर्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ऊपर ही आया था वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। सो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, आपको एफ मीडियम पूछा है। सो 10⁻⁴ / 2.5 × 10⁻⁵ बछेड़ बछेड़, उसके बाद आपका जो आंसर आता है वो 4 आपका आंसर आ जाता है। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है, सो एक साबुन का बुलबुला है, उसको ऋण आवेश दिया गया है, सो उसकी त्रिज्या, ये साबुन का बुलबुला है, उसको ऋण आवेश दिया गया, और ये आपका ऋण आवेश हो गया। साबुन का बुलबुला नेगेटिव होता है, सो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश आप दे दोगे, सो सेम सेम आवेश ही दोगे, तो आपका क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? अगर अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ धनावेश दे देता,
तनावेश दे देता तो आकर्षण होता, और ऑब्वियस सी बात है आकर्षण होता तो त्रिज्या घटती, रेडियस घटती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धातु के ठोस पृथक की कृत गोलाकार पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, सो आवेश का वितरण एक समान किंतु पृष्ठ पर, केवल पृष्ठ पर एक समान नहीं, आयतन के भीतर एक समान, आयतन के भीतर परंतु एक समान नहीं। एन आइसोलेटेड सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर यूनिफॉर्मिटी बट ओनली ऑन स्फीयर, ओनली ऑन सरफेस बट नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम, नॉन यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम। सो एक धातु के ठोस पृथकीकृत गोले पर आवेश उसके पृष्ठ पर रहेगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ। एक धातु के गोले को ए को धनावेश दिया जाता है, धातु का ये आपका गोला है, इसको धनावेश दे देते हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करें और इसकी पीडीएफ को जल्दी से जल्दी हासिल करें और पढ़ाई करें, रिविजन करें। सो इसका आंसर आप लोगों ने अभी तक दे दिया होगा, क्या होगा इसका आंसर? एक धातु के गोले को ए को धनावेश दिया जाता है जबकि दूसरे बी अन्य को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है, धनावेश दिया जाता है और उतना भी दिया जाता है, द्रव्यमान समान है, ऑब्वियस बात है, ऋणावेश दिया है, ऋणावेश है इसके ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, धनावेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग गए, इसने मतलब लिया है इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा। सो सिंपल सी बात है, बी का मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज ऑफ बी वन मेटेलिक स्फीयर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर इज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज देन मास इंक्रीज ऑफ बी, यस और नो? इज दैट राइट, इज दैट क्लियर? दो आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, दो आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, ये दोनों के मध्य डी बाई टू मोटाई की प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल क्या होगा, प्रभावी बल क्या होगा? ये आपके एप्सिलॉन आर जो तांबे का होता है वो होता है शून्य। सो एफ इसका जब आप मल्टीप्लाई है इसमें सारे, सो अल्टीमेटली इवेंचुअली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। बढ़ते हैं आगे, किसी पिंड पर -80 खुलाम आवेश है, इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। भाई साहब ऐसा किस आता है ना तो मजे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, क्यू बराबर बटाई क्यू कितना है -80 माइक्रो कूलाम है, बदलो इसमें बट्टा करके आपका जो अल्टीमेट आंसर आता है वो आता है 5×10⁴⁴। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच कार्यरत बल F है, यदि आवेशों के मान आधे कर दिए जाएं, आवेशों के मान को आधे कर दो, हाफ कर दो और दूरी को बढ़ा दो, दूरी ये लो बढ़ा दी, तो इनके मध्य नया बल क्या होगा? सो आप लोगों को ये आपको जो दूरी दी हुई है उसको आप लोगों को भी बढ़ानी है, आप इसको कम कर देना है, सो आपका इसका आंसर हो जाएगा F/16। आप आंसर निकाल लेना, बल का फॉर्मूला लगेगा, इसमें मेरे को कोई कहने वाली बात है नहीं। एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आरोपित होता है, अभी देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था और मेरे उस्ताद होनियों को मैंने बता दिया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असमान विद्युत क्षेत्र में आप लोगों को कोई द्विध्रुव रखना है तो उस पर बल लगेगा, बलाघुन लगेगा, फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैप्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस बल एंड बलाघुन। सिंपल ये समान के लिए क्यू ई आपके क्या होगा,
शून्य आ जाएगा। और टाउ जो होता है आपको पता है, पी ई साइन थीटा, इसका भी जिक्र कर चुका हूँ मैं। और असमान विद्युत क्षेत्र के लिए एफ बराबर जीरो नहीं होता है, टाउ बराबर जीरो वैसे भी नहीं होता है उसमें भी, तो इसमें कहाँ से होगा यार। अब हम बढ़ते हैं आगे 12 क्वेश्चन। प्रत्येक 2 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है। यदि दोनों निर्वात में उपस्थित हैं तो इनके मध्य फोर्स क्या होगा। टू चार्ज इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम आर 0.5 मीटर अपार्ट, बोथ ऑफ देम एक्सिस्ट इनसाइड वैक्यूम, देन द फोर्स बिटवीन देम इज, ये इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना, आंसर कमेंट में लिख दो। नहीं आता है टेलीग्राम पर मैसेज करो, आपका भाई आपको तुरंत मैसेज करेगा और आपको आंसर देगा। चलिए चित्रानुसार चार वर्गों, चार आवेशों के वर्ग एबीसीडी के कोनों पर रखा गया है। केंद्र पर जीरो ओ पर रखे आवेश पर क्या बल लगेगा। अभी अभी क्वेश्चन आया था लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग आते ही इसमें जीरो करोगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, ठीक है। इसका तो समझ आता है कि दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या लगता है। आप लोगों को इंग्लिश में दिख रहा है क्या? इंग्लिश में नहीं दिया है सो आप लोगों को हिंदी में समझना पड़ेगा। नीचे वाले क्वेश्चन से इंग्लिश में आप लोग समझ जाए। ये जो आपका होता है ये तो आप लोगों को कैंसल आउट कर देता है, लेकिन इसमें आपको लगता है आपके ये बी से डी की ओर आपके दिशा में बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के विद्युत विध्रुव के मध्य की दूरी आर है। प्लस क्यू और माइनस क्यू विद्युत विध्रुवों के मध्य की दूरी आर है। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती है। देखो इसके लिए मेरे को कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए क्यू आर बाई डी क्यू इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा फंडा है। कैसे आया आप लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक्स बराबर कितना होता है 2 kp/r³। वैल्यू केपी का, पी का मान कितना होता है क्यू गुना 2a, और यहाँ 2a की जगह आर है सो आर लिखते हैं। ठीक क्यू क्यू आर बाय ठीक क्यू इट्स योर आंसर। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इससे, जो कि आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं बता दूं, ई एक्सिस और ई इक्वेटर, ई अक्ष और ई निरक्ष दोनों के मध्य आपको अनुपात पूछा जाए, सो उसका अनुपात आपके क्या होगा। 2 kp/r³ अपॉन इक्वेटर पर कितना होता है निरक्ष पर kp/r³, सो 2/1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। और ई इक्वेटर आपको पूछा जाए तो ई इक्वेटर हो जाएगा ई एक्सिस बाय 2। सिंपल सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा के इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर लाइन ऑफ ए डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या पूछा है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के, नहीं मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव, ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर इसकी दिशा रहेगी, और जो नेट जो होगा आपका नेट जो होगा इसका आपका वो इस साइड रहेगा परिणाम, और विद्युत द्विध्रुव की दिशा आप लोगों को पता ही है माइनस से प्लस की होती है, और इसकी दिशा वो कहाँ से उल्टी है ना, सो क्या होगा विपरीत दिशा में होगा। दैट्स योर आंसर।
नेक्स्ट, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए अनुभव करता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अब मेरे को नहीं बताना, आप लोग ही आंसर दो। अब मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, 10 बार बता चुका हूं इस वीडियो में। एक अचर विद्युत क्षेत्र के परिवेश में ए रीजन सराउंडिंग ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज। सो मैं आपको इसमें ऊपर बता चुका हूं, गतिशील के लिए आया था तब तो हमने दोनों किया था, लेकिन 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 आपको पूछा है अचर स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल डाइपोल, सो इसमें आपको ओनली बी आंसर करके आ जाना है। नेक्स्ट, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है, यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सो हमने ये आपका विद्युत द्विध्रुव है या आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, जो इंग्लिश मीडियम वाले उसको थोड़ा सा समझा दूँ, डाइपोल को आपको घुमाना है सो आपके विद्युत क्षेत्र क्या होगा। सो ये आपका निरक्ष पर हो जाएगा, और निरक्ष पर मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों, मैंने कहा था ई इक्वेटर पर आपको ध्यान रखना है, ई इक्वेटर बराबर ई एक्सिस बाय 2 होता है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और आप लोगों को अभी बताया है, सो मेरे उस्ताद होनियों को इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लो, और ये जो सारी पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन, द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य क्या कोण होगा, क्या कोण होगा विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, चलिए आपका जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा, कैसे होगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका फिगर के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण पूछा है 180 डिग्री। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, यार ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। एप्सिलॉन नॉट इनवर्स विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, दैट्स इट। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्र क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, वोल्ट गुना मीटर, ऊपर बता चुका हूँ, आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। और दो आवेश प्लस क्यू और एक प्लस 5 माइक्रो कूलाम है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। देयर आर टू चार्ज, वन प्लस 1 माइक्रो कूलाम एंड देन सेकंड इज 5 माइक्रो कूलाम, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, कितना होगा मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ। तो उन पर जो रेशियो होगा वो होगा 1:1, और वो कैसे होगा देखिए ना, इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है, इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है, 1:1 कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, और तो सेम ही लग रहा है ना। अब गॉस के नियम पे थोड़ा सा आ जाते हैं, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम सत्य है, यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी आर के साथ निम्न कर प्रकार परिवर्तित तो गॉस नियम इज ट्रू ओनली फोर्स ड्यू टू ए चार्ज, क्या लिखा है मैंने, ये वेव्स एज। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है ई एक्सिस पर कितना होता है, 2kp/r³, सो और आपके इक्वेटर पर कितना होता है, इक्वेटर पर कितना होता है k³/r², और आपको पूछा गया है यदि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित हो तो आवेश का पूछा है, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ये आपका फॉर्मूला है, ये पुट कर दो, या कोई अक्ष निरक्ष तो नहीं दे रखा है, अक्ष वगैरह कुछ दे रखा होता तो हम लोग कुछ करते। नेक्स्ट, एक आवेश क्यू एक बेलनाकार पात्र के खुले मुंह के केंद्र पर रखा है, इस पात्र के सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा,
मुझे पता है इसमें आप जीरो देने वाले हो, लेकिन जीरो नहीं होगा। ये आपका बेलन है, इस पर आवेश रखा हुआ सरफेस पर, इस पर एक और बेलन रखा हुआ है, फाई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई बराबर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। टू क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि टू सरफेस, पहले मैंने एक स्क्वायर की बात की थी, सेम सरफेस, वहाँ पर वन अपॉन सिक्स क्यू क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट आया था, ऐसा कुछ ही था ना। 25 नंबर की प्लस 2 माइक्रो गुलाम और 9 प्लस 2 गुलाम और प्लस 6 गुलाम दो विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण बल 12 न्यूटन, प्रत्येक आवेश को माइनस 2 आवेश दिए जाने पर इनके मध्य बल क्या होगा। फॉर्मूला पुट करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आवेश का मान रखना है और आपके सामने आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए, आवेशित कणों के मध्य की दूरी को आधी कर दी जाए, इतनी थी, अब हम माफ कर देंगे, सो उनके मध्य कितना बल होगा। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, फॉर्मूला अप्लाई करो इसमें भी, आर स्क्वायर को आधा कर दो, आर स्क्वायर को आप लोग आधा करोगे, सो आपका जो फोर्स होगा, आपका जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, चार गुना। कैसे होगा चार गुना, ये आपका एफ वन पहले कितना था, वन अपॉन आर स्क्वायर, एफ टू कितना हो गया, आपने दूरी को आधा कर दिया, सो दूरी को आधा करते ही क्या हो गया, आर बाई हाफ हो गया ना स्क्वायर, इसका भी वन वन बाय फोर हो गया, और फोर ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आ गया तो कितना हो गया, चार गुना हो गया ना। विद्युत आवेश एक समान गति से उत्पन्न होता है, द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक, अरे यार इसको तो मैं बार बार बता चुका हूँ, एक समान आवेश गोलाकार कोष के भीतर, सो उसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान आवेश गोलाकार कोष के भीतर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जीरो होती है। तो गाइस ये आपकी क्लास थी, आप लोग इस क्लास के माध्यम से जुड़े रहे, आपने वीडियो को पूरा देखा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, थैंक यू।